नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का एशिया न्यूज इंडिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुजरात तूफान का असर हमारे झारखंड के कई जिलों में इसका असर दिख रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, धनबाद के गोविंदपुर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह के तेज हवाएं के साथ रिमझिम बारिश भी चल रही है। लोगों को आवाजाही में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लोग सिर्फ जरूरतमंद के सामान लेने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, या स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, यही काम के लिए बाहर आ रहे हैं। ये जो गुलाब तूफान है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराया है। इसकी सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। 6 मछुआरे फिलहाल समुद्र से गायब हो चुके हैं। एनसीआर की टीम उसे खोजने में लगी हुई है। समुद्र के किनारे से जो भी घर वगैरह बसे हुए थे, फिलहाल उन लोगों को वहां से साइड कर दिया गया है, क्योंकि इसकी तीव्रता अभी बढ़ने की आशंका बताया जा रहा है। ये जो तूफान है, बंगाल की खाड़ी कोलकाता में भी इसकी असर थोड़ा सा देखने को आया है। इस तरह दिख रहा है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पिक दिखाए यहाँ पे सुबह से रिमझिम हवाएं के साथ किस तरह तेज बारिश चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं तेज हवाएं भी चल रही है। लोगों को आवाजाही में कितना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है आने जाने में। यहाँ पे लोग जो बारिश से बचने के लिए यहाँ पे मतलब ट्यूशन से छुट्टी होने के बाद लोगों को घर जाने में कितना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे रुके हुए। आइए हम यहाँ के कुछ दर्शकों से जानते हैं कि इसका क्या कुछ कहना है इसमें। बट आप देखिए, लग रहा है ट्यूशन से आ रहे जी। हाँ, ऊपर में ट्यूशन पढ़ता हूँ। कब से आपका ट्यूशन स्टार्ट था? सर 10 बजे से स्टार्ट था, अभी तक बारिश 10 बजे खत्म हो जाती है, तब से बारिश ही हो रही है। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो सुबह जब आप आगमन कर रहे थे यहाँ पे, ट्यूशन आ रहे थे, उस टाइम भी तो शायद बारिश हो रही थी। कैसे आए थे बारिश? मतलब पैदल ही हम लोग, गाड़ी दोस्त गाड़ी से आए थे, हम पैदल आए थे। अभी जान नहीं पाए घर, तो हम घर कैसे जाइए कभी बारिश में? बारिश रुकी थी, तभी तो जाएगा, तभी जाना पड़ेगा। सर आपका नाम क्या हो? मेरा नाम यश प्रसाद हुआ। आप यहाँ किस काम से रुके हुए? भाई ट्यूशन के ही पर्पज से आए। दोनों दोस्त। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा भी खुले के पास। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, हमने अभी यहाँ के कुछ लोगों से बात किया जो कि ट्यूशन पढ़ के जस्ट यहाँ पे खड़ा थे, बट बारिश की समस्या के कारण ये लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश रुक रुक के आ रही, तेज हो रही है, बढ़ रही है। बट अभी फिलहाल जो बारिश हो रही है बहुत तेज हो रही है, और हवाएं भी चल रही है। लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये गुलाब तूफान जो सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, इसका असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दिख रहा है। उड़ीसा के विशाखापट्टनम में इसकी असर तो जोरदार से दिख रहा है। ये असर बंगाल की खाड़ी कोलकाता में भी इसकी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी कोई जानमाल का ऐसा कोई नुकसान की खबर नहीं आया है झारखंड इलाका से, और इस वक्त धनबाद में भी ऐसा कोई जानमाल का नुकसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस तरह के तमाम जानकारियों के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं अरुण कुमार गोस्वामी, कैमरा।